हेलो एंड वेलकम टू मॉम्सी किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ता घर में अवेलेबल सामान के साथ। ये रेसिपी भी बहुत ही इजी और सिंपल है मेरी सारी रेसिपी की तरह, तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने छोटी इलायची और बड़ी इलायची एक ली है, आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च और दो लौंग और साथ में दालचीनी टुकड़ा। दो आलू को आप उबाल लें, कॉर्न फ्लोर ले लें और पनीर, साथ में प्याज को बारीक काट लें, अदरक घिस लें, दो हरी मिर्च। इसके साथ आप प्याज और टमाटर मसाले के लिए बड़े टुकड़ों में काटें, थोड़ी सी लहसुन ले लें, अदरक और हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद के हिसाब से, गरम मसाला, हल्दी और साथ में रिफाइंड या तेल ले लें। तो सबसे पहले हमने पनीर को घर पर बनाना है, तो आधा लीटर दूध लिया है और एक नींबू। दूध को हम उबलने के लिए रख देंगे और उबलते समय उसे हम थोड़ा सा कलछी से चलाते जाएंगे। जब अच्छा सा उबाल आएगा तो लो फ्लेम कर दें। अब हम इसमें नींबू का रस डालकर दूध को फाड़ लेंगे और घर पर पहले हम पनीर तैयार करेंगे। नींबू अवेलेबल नहीं है तो आप विनेगर डालकर भी इसे फाड़ सकते हैं। तो नींबू डालने के बाद ये देखिए पानी अलग हो जाएगा और इसे एक मिनट तक और पकाएं तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये देखिए पनीर तैयार हो गया है। अब हम इसे छान लेंगे। छान कर हमने पानी को अलग कर देना है और पनीर में से एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए इसे थोड़ा सा और इस तरह से दबा कर पानी को निकाल दें। अब एक कटोरी में इसे रख दें। अब हमने उबले आलू को मैश करना है। मैश करने के बाद इसमें हमने डाल दिया है घर का बना हुआ पनीर, साथ में अब हम यहाँ पर हरी मिर्च और अदरक घिसा हुआ डाल देंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक स्वाद के हिसाब से डाल दें इसमें। अब आप इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और बारीक कटा हुआ प्याज डाल दें। ये सब डालने के बाद इसे आप बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हमें ये करना है कि अगर ये तलते समय फटे ना तो इसमें हम मिक्स करने के बाद थोड़ा सा कॉर्न फ्लोर मिलाएंगे। तो ये मसाले तो मिक्स हो चुके हैं तो अब इसमें थोड़ा सा कॉर्न फ्लोर मिला दिया है। इससे बहुत ही अच्छे कोफ्ते आपके बनेंगे, बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। तो ये मिलाने के बाद अब आप इसे कोफ्ते की शेप दे दें, गोल या लंबा, जैसा भी आपने कोफ्ते तैयार करने हैं आप उसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दोनों तरह से कोफ्ते बनाकर दिखाऊंगी। अब आप थोड़े से आलू से इस तरह से बॉल बनाकर कोफ्ते बना सकते हैं। अगर आपने इसे ओवल शेप में बनाना है तो बॉल को ही हल्का सा और दबाकर इस तरह से आप दूसरी शेप में भी बना सकते हैं। तो पहले सारे इस तरह से आप बनाकर तैयार कर लें। अब कढ़ाई में हम एक कप घी डालेंगे कोफ्ते तलने के लिए। घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम लो पर गर्म करना है और जब ये गर्म हो जाए तो इसमें एक एक करके आप कोफ्ते डाल दें। कोफ्तों को हमने बहुत अच्छा ब्राउन करना है और इसे लो फ्लेम पर ही आप तलें। बहुत ज़्यादा तेज़ हमने नहीं रखना है, बीच बीच में इसे आप इस तरह से हिलाते रहें। जब ये बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ जाए इस तरह से, तब आप इसे अब निकाल लें। आपके कोफ्ते तैयार हैं। तो इस तरह से इसे निकालने के बाद हमने जो दूसरी शेप में कोफ्ते तैयार किए थे उसे भी हम इतना ही गोल्डन करके निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले सारे कोफ्ते बना कर रख लिए हैं। अब हम बनाएंगे ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए हम पैन को चढ़ाएंगे। अब पैन में हम डालेंगे एक टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। इसे बहुत ही अच्छी तरह से गर्म करना है, उसके बाद लो फ्लेम कर दें और खड़े मसाले इसमें डालकर अच्छी तरह से भून लें। अब इसमें आप प्याज को डालकर उसे भी कलर चेंज होने तक भून लें, क्योंकि प्याज को यहाँ पर अभी हमने बहुत सुनहरा नहीं करना है, हल्का सा ही भूनना है। और इसमें अब हम डाल देंगे लहसुन और हरी मिर्च और उसे भी साथ में हम अब हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। तो लो फ्लेम पर अच्छी तरह से मसालों को इस तरह से आप भून लीजिए। जब ये इस तरह से सुनहरे हो जाए तब अब इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दें। ये सारे मसाले डालकर आप अच्छी तरह से इसमें भून लें। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। यहाँ पर हमने प्याज और टमाटर को बड़ा ही काटा है क्योंकि इसकी ग्रेवी को हमने बाद में पीसना है, तो इसलिए प्याज और टमाटर को आप बहुत बारीक ना यहाँ पर काटें। टमाटर को थोड़ा सा भून लें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और इसे ढककर पका लें। टमाटर और प्याज सारे मसाले अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो दो तीन मिनट तक इस तरह से पकाने के बाद सब्जियां अब हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब हम इसे इसी स्टेज पर गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम पीस लेंगे और इस तरह से ग्रेवी तैयार करके फिर से हम इसी पैन में डाल देंगे। अब इसे हल्का सा गर्म होने देंगे या उबाल आने देंगे, फिर हम इसमें डालेंगे मलाई। घर की फ्रेश मलाई आप ले लीजिए और उसे कम से कम 5 से 6 चम्मच या 2 टेबल स्पून डालनी है, तभी आपकी ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इसे डालने के बाद अच्छी तरह से अब आप इसे मिक्स कर दीजिए। तो आपकी ग्रेवी तैयार है। सारे मसाले ठीक हैं या नहीं इसे आप टेस्ट करके देखिए। तो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, तो ग्रेवी हमारी तैयार है।
अब इस पर हमने कोफ्ते को नहीं डालना है, नहीं तो कोफ्ते सारे इसमें घुल जाएंगे। अब हम सर्विंग बाउल में पहले ग्रेवी को डाल देंगे, फिर उसके ऊपर हम एक एक करके कोफ्ते को रखेंगे। आप कोफ्ते रखकर तब ग्रेवी भी डाल सकते हैं, तो दोनों तरह से मैं आपको दिखाऊंगी। कोफ्ते रखने के बाद अब इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रेवी और टच करें और उसके बाद आप इसके ऊपर फ्रेश क्रीम या मलाई डालकर इसे सर्व करें। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें तो आपका मलाई कोफ्ता एकदम से रेडी है। अब आप भी इस तरह से घर पर मलाई कोफ्ता बनाइए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अब दूसरी तरफ मैंने कोफ्ते को पहले रख दिया है और ऊपर से ग्रेवी डाल दी है और उसे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम या मलाई से सर्व करेंगे, धनिया डाल देंगे। तो देखा ना आपने कितना आसान तरीका है मलाई कोफ्ता बनाने का, कितनी आसानी से ये घर पर हम बना सकते हैं। तो आप भी जल्दी से इसे ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन भी नए नोटिफिकेशंस के लिए ज़रूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी एक नई ट्रिक के साथ। हैप्पी कुकिंग।